हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मज़ेदार रेसिपी, मोज़रेला चीज़ पोटैटो बॉल्स। देखिए, ऊपर से बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट। इसको बनाने के लिए 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। इसके छिलके निकाल के अच्छे से मैश करेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, फिर 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर और बारीक कटा हुआ 2 बड़ी चम्मच कोथमीर डालें। अच्छे से मिक्स करें। अभी इसको साइड में रखेंगे। हमने 200 ग्राम मोज़रेला चीज लिए हैं, इसको क्यूब शेप में कट करेंगे। इसी तरह ये 200 ग्राम मोज़रेला चीज में लगभग 25 से 30 बॉल बनती है। देखिए, इसी तरह क्यूब में कट करना है। देखिए साइज। फिर एक प्लेट में लेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, फिर हमने कट किया हुआ चीज और आलू मिक्सचर। हथेली को थोड़ा गीला करें ताकि मिक्सचर न चिपके। इसमें से एक नींबू साइज लेंगे हाथ में, इसको गोल करेंगे और फ्लैट करें इसी तरह। फिर इसके बीच में रखेंगे चीज क्यूब इसी तरह और कवर करेंगे। अच्छे से कवर करना है, फिर गोल शेप देना है। हमने रखे होते वो आटे में कोट कीजिए। अच्छे से कोट करने के बाद एक प्लेट में निकाल के रखिए। देखिए, इसी तरह सारे क्यूब को भी बना के रखना है। और एक बार दिखाती हूँ। चीज क्यूब रखने के बाद अच्छे से कवर करना है आलू मिक्सचर से, नहीं तो फ्राई करते वक्त चीज बाहर आएगा। फिर आटा में कोट कीजिए। देखिए, इसी तरह बाकी सब क्यूब को भी ऐसे ही करके रखना है। अभी हम इतना ही चीज बॉल्स को बना के रखे हुए हैं। अभी डिपिंग के लिए कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लीजिए, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/2 कप पानी डालें। अच्छे से मिक्स करें। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। देखिए इसी तरह। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल के मिक्स करें अच्छे से। अभी हम इसके साथ लिए हैं 1 कप ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड को मिक्सर में डाल के पाउडर बना के ले सकते हैं। अभी हमने बना के रखे हुए थे चीज बॉल को कॉर्नफ्लोर स्लरी में डिप करें अच्छे से। फिर इसको निकाल के ब्रेड क्रम्ब से रखे कोट करेंगे। अच्छे से कोट करना है तो फ्राई करने के बाद ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह कोट करना है। फिर इसको एक प्लेट में रखेंगे। और बाकी चीज बॉल को भी सेम इसी तरह करना है। पहले कॉर्न स्लरी में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है,
देखिए हमने इतना सारा बना के रखे हुए हैं, अभी फ्राई के लिए रेडी करेंगे। डीप फ्राई के लिए एक कढ़ाई में तेल डाल के गरम के लिए रखें। तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे हमने जो बना के रखे हुए थे वो चीज़ बॉल्स को, एक एक करके डालना है तीन चार। डालते हुए पहले हाई फ्लेम में डालना है, फिर बाद में मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। अभी फ्लेम स्लो करिए, देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर इसी तरह, और बाकी चीज़ बॉल्स को भी फ्राई करेंगे। डालते वक्त फ्लेम हाई में रखना है, फिर बाद में लो में टर्न करें। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको निकालेंगे टिश्यू पेपर में। अभी मोजरेला चीज़ पोटैटो बॉल्स रेडी हो गया। इसको सर्व करें आपके मनपसंद सॉस के साथ, केचप के साथ। ये बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची रहता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ऊपर से इतना क्रंची है, अंदर देखिए चीज़ मेल्ट होके इतना मस्त रहता है ये टेस्ट। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें, मेरा नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। Thanks for watching.